मैंने घर से खाना ही नहीं, एक नवाला इस घर का मुझे को हराम है 24 घंटे तक। धुआं उड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हम अपने आप को चैलेंज देने लगे कि हमने अगले 24 घंटे तक बाहर का खाना खाने, ठीक है। डीजल ही है ना, ये ना सरसों का तेल लगाओ, पानी की तलब पूरी हो जाए। भाई साहब मैं अपने लिए फीस लाया था, रोया तो लेके आ गया। भाई साहब देखते हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर से ठीक ठाक बिल्कुल मजेदार रहेंगे। खैर ठीक है, वाला गुड है। भाई साहब आपका भाई को ऐसी कुछ शदीद नशे वाली नींद आई है कि क्या ही बताऊँ, लेकिन सोने का कोई नामो निशान नहीं है, ना सोना हो रहा है ना कर सके। सीन्स क्या है, सीन्स कुछ ऐसे, एक सेकंड के कॉल आ गई, कॉल आ गई, कॉल आ गई। हाँ जी, आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है, आपके पास नंबर आया कैसे, ये सागर ने मेरे हमले से। सीन्स इज दिस के आज का व्लॉग काफ़ी टाइम हो गया आपका भाई जो है व्लॉग व्लॉग नहीं बना रहा, वीक में एक आधा व्लॉग आ जाता है और फुल टाइम गाड़ी के ही आ रहे हैं, ज़्यादा गाड़ी के मामला ही दिखा रहे हैं। लेकिन अब सीन्स ऐसे हैं कि आपके भाई के एक दो प्लान्स थे जो कि अकॉर्डिंगली नहीं चल सके, जिसकी वजह से हमारे व्लॉग भी रह गए और हमारा वो प्लान भी बढ़ गया, प्रोग्राम बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। व्लॉग्स लोग आते रहेंगे, आपको पता चलेगा। फिल वक्त आज के व्लॉग का क्या सीन्स है, आज के व्लॉग की सीन्स ऐसे हैं कि भाई साहब आपका भाई सख्त बोर हो रहे हैं और फ्राइडे ऐसे शलवार कमीज में भी बैठे हैं और ऑफिस से आ गए थे, ऑफिस से आए फिर बाल बच्चों को लेके जरा मल्टी पार्क चला गया था, वर्कशॉप करा ली, फुटबॉल खेल लिया न्याणियों के साथ, तो अब नींद नहीं आ रही, ना नींद कर सक रहे हैं। देखें जी, एक अपना पीस ये लिटाया हुआ है, उसको कार्टून लगा के दिए हैं ताकि वो थोड़ा मसरूफ रहे, वरना मेरी टांगों में घुसा जाता है, पापा बाहर चले। ये भी अपने बाप की तरह ना कार इंथुजियास्टिक है भाई साहब, हर टाइम कार 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 लगे रहते हैं। इसकी भी इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक कार लेंगे वेरी सुन, तो लेकिन मैं अभी खुद नहीं लेना चाह रहा कि हर चीज़ इसी एज में लेने का मकसद नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, सियाणा हो जाए, समझदार हो जाए तो खुद चलाए, इंजॉय करें। खैर सीन्स क्या है, सीन्स इज दिस के आज अपने आप को आपका भाई चैलेंज देने लगे। चैलेंज क्या है, चैलेंज कुछ ऐसे है कि गाड़ी का कोई काम नहीं। गाड़ी का काम का आज मिस करेंगे आज के दिन, और मतलब हम लोग चैलेंज कुछ इस तरह रखेंगे। टाइम हो रहा है भाई साहब आपको बता दें 7:07, एक सेकेंड ये नोट ना पढ़ लियो आपने, खैर ये देखें 7:47 हो रहे और सीन्स इस तरह शाम के 7:47 हो रहे, और अभी हम अपने आप को चैलेंज ये देने लगे कि हमने अगले 24 घंटे तक कल इसी टाइम तक हमने जो है बाहर का खाना खाना है, ठीक है, घर का खाना नहीं खाना, सारा खाने पीने का जो सीन होगा बाहर का करेंगे। और अभी ये है कि आपका भाई ट्राई मारने लगे कुछ अपने बॉयज़ से, दोस्तों के साथ भी वैसे प्लान हो सकता है लेकिन आज मेरा पता नहीं मूड हो रहा है। और अभी व्लॉग में वह क्या कज़न से पहले पूछते हैं अपने बॉयज़ वगैरह होते हैं भाइयों के साथ कि चलते हैं कोई रोटी पानी कर लेते हैं, अगर तो वो सीन बन जाता है तो वेरी गुड, ना हो तो अपने फ्रेंड जिंदाबाद। तो लेट मी कॉल वन ऑफ कज़न, कज़न को कॉल करते हैं, कज़न को कॉल करते हैं, ये दूसरा आ गया, बस कज़न को कॉल करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, इनको कहता हूँ भाई दावत है, रोटी पानी का कोई सीन करते हैं, अमेरिकन पे करते हैं, अपने आप पे करते हैं, जैसे भी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, पर क्या इसमें बैलेंस नहीं है, मैं अपने इस नंबर से ना कॉल कर लूँ फिर आपको अगली कहानी बताऊँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इंस्टा पर जाके भाई को फॉलो भी कर लें। A few inches later. तो guys, scenes क्या है? Scenes all हो गए हैं। अब अपने बॉयज़ से बात कर लिए, मैंने कहा यार प्लान करो रोटी पानी का, कोई सीन करते हैं, कोई देसी खाते हैं, तो अभी प्लान कंफर्म नहीं किधर क्या, लेकिन कुछ प्लान ऐसे कि देसी खाना है और दुम्बा खाना है। कौन लोग होंगे, किसके साथ जाएंगे, वो आपको सारे रास्ते में सीन्स बताते हैं। इसी फोन से जिससे व्लॉग कर रहा हूँ इससे कॉल करनी पड़ी थी तो इससे वो रिकॉर्ड नहीं कर सका, और देखते हैं क्या सीन है। टाइम तो अच्छा खासा हो गया, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, फिर पहली मील जो होने लगी भाई साहब फुल हैवी करने का प्लान है, ताकि अभी क्या रोटी हम दबा के खा लें और साथ ही हम हाजमे का भी प्रोग्राम बनाते हैं, फिर देखें क्या प्लान बनते हैं। अपने बजट सारे एक दूसरे से रबते में आ जाए, बाकी मेन पॉइंट पर इकट्ठे हो जाएंगे और रोटी पानी का सीन बनेंगे। इधर
याद है कि चप्पल में जाए बड़ा कम्फी सा सीन है, लेकिन हो सकता है हम क्योंकि कैफे शैफे बैठे तो आई थिंक वी शुड गो फॉर सम कैजुअल, बल्कि नहीं यार सब इसको करते हैं बंद। सीन ऐसे हैं कि बारिश भी हो रही है तो हम लोग जूतों का रिस्क लेते हैं, कंफर्टेबल चप्पलें अपनी स्लीपर्स अपनी वो पहनते हैं, लेट अस गो भाई को चुकते हैं और कजन से फिर रास्ते में बात करते हैं। चले गड्डी मेरी बाहर खलती है या बल्कि मैं इतनी चलाता देते हैं गाड़ी। ए काशिफ ये तू चला, मैं साथ बैठा मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। 24 घंटे तक हमने भाई की रोटी खानी, चैलेंज नहीं गड्डी तलवानी है, बारिश है रुके तो धुलवाएं। आपके भाई ने आज दिन में खा लिया था समोसा ऑफिस से, सॉरी मौसम की डिमांड थी, इतना सोना मौसम था, आपके भाई ने खा लिया समोसा और अभी जाके वो समोसा हजम किए भाई साहब, जबरदस्ती वॉशरूम किए क्योंकि अब दुम्बा खाए। खैर जो जानते हैं वो जानते हैं, ये मेरा ऐसे छोटा मेरा इसे छोटा भाई है जनाब काशिफ और वो उससे भी छोटा है साकिब, जो जानते हैं जानते हैं, नहीं जानते बात जान। खैर जुलिया है जनाब मुझे मुझे थोड़ा सा पीड़ित थे, हाँ ये बारिश में मुझे नहाते हैं जी। चलिए आए हाय हाय धुआं उड़ते नजर आ रहे हैं आपको, वो चक्कियां 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 लटकी हुई गाड़ी अपनी यहाँ पे आ गई। मेरे ख्याल से बाकी कुछ बॉयज हैं जो रास्ते में आ रही और ये जनाब धुआं उड़ते आपको दिख रहे हैं। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दें, इसको इस जगह बोलते हैं चरसी टिक्का, इसको चरसी टिक्का क्यों बोलते हैं? या तो इधर बकरे को चरस पिलाते हैं उसके बाद उसकी बोटियां करके वो हमें खिलाते हैं, या जो कुक है ना जो शेफ है जो बना रहा था कढ़ाई वगैरह तो वो चरस पीता है उसके बाद वो कढ़ाई बनाता है, तो इसलिए इसको चरसी टिक्का कहते हैं। अच्छा अच्छा ऐसे आ रहे हो असल बात ये है कि जो लोग चरस शरस पीते होंगे उसके बाद उनको भूख बहुत लगती है तो उसके बाद लोग आते हैं दुम्बे खाने, तो उसके बाद से इसका नाम हो गया था चरसी टिक्का। हैं चरसी चरसी बहुत हो गया, इससे पहले आप लोग कहें कि मैं इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से रखता हूँ, तो आपका भाई ऐसी कोई हरकत नहीं करता, गड्डी से निकलते और जान के आपको अपने बॉयजे से मिलाते हैं। ये जनाब चरसी टिक्का और ये अपने सारे बॉयज हैं, क्या हाल है मेरे सर? क्या हाल है अंग्रेज भाई हमारे? तो क्या सुनाओ बाकी बंदे बाकी बशिंदे बाकी बशीरे आ रहे हैं रास्ते में। खाने से पहले अपने बॉयजेस का बैठे, पहले बॉयजेस आएंगे फिर खाने, मतलब वो इस चीज की तहकीक करेंगे कि ये हराम है ये हलाल है, मतलब शॉर्ट इन शॉर्ट बात ये है कि अगर आपको पता चल गया हंसना हंसता कि नहीं तो आप सर ठीक आप सुने खैरियत से? आज 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 आइए भाई वेटिंग कार्ड शार्ट चल रहे हैं लाजमत आना स्टार्ट है, उसमें लग करते हैं सलाद से रायते में डुबो के इसको गरम गरम वेरी हॉट अच्छी देंगे कर पहले क्लिप बना नहीं चर्बी का वो बनाते हैं, कलेजी होती है कलेजी पे ना चर्बी चढ़ाई होती है, पट्टा टिक्का पट्टा 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 टिक्का यार पट्टा टिक्का वो तोड़ा पला है कितने डूब गए मरने डूब गए भाई चांपे आ गई चांपे चांपे खूबसूरत क्या क्या बात है भाई साहब मैंने अच्छा फिल्म भाई मजे तो आए भाई इन गोश्त खोल बन के खाएं खाएं बच्चे कितने प्यार से खा रहे हैं। ले जी मेन आइटम
ये जनाब अपना मेन आइटम तड़पती फड़पती। भाई साहब वैसे तो फुल हो गए लेकिन अपनी हिस्से की कढ़ाई डाल ली है। ठीक है यार थैमना पिला देंगे 2-1.5 लीटर। ठीक है और नींबू ला दें साथ 2-3 काट लेमन नहीं ऑर्डर कैंसिल। पैराडाइज तो आपको पता काम में हाँ हाँ दिल जाओ दे देता हूँ भाई। मज़ेदार बहुत मज़ेदार अंदर खाना बहुत मज़ेदार। काफी पुलाव तो इतना चिट्टा क्यों है? खजाना दबाया हुआ है। अब रोटी पानी हो गए भाई साहब कावा चल रहा है। लेकिन शीशे की हिट इतनी नहीं थी इसमें भी तो खालिस गोल खालिस का ये फ्लेवर ये सिगरेट छुड़ाता है ना आपका फ्लेवर्ड है ना फायदा बस सिगरेट में आप जो है ये डुबोने का फायदा तो कोई नहीं होता इसमें ऐसे डुबोने निकोटीन है। वैसे सब भर चुके हैं कावा 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 बैगन कावा ये पेशावर जर्सी दिखा पे लल्ला कावा रावड़े एक रावड़े रावड़े और ये क्या कहते हैं इसको गुड गुड रावड़े जाली बटान है। हां जाली बटान है। ये भाईजान सब भी और अपने अपने यूरिन टेस्ट जो है जमा मतलब बेहतरीन मजा आ गया है। तकरीबन इंटायर मेन्यू हमने यहाँ खा लिया है। पेट पूजा रज के होगी मेरा नहीं ख्याल अगले 24 घंटे आपके भाई को भूख लगने लगी। बस अभी बैठे हैं कार्ड शॉर्ट्स खेलने के देखते हैं अगला क्या मामला है। हाउसमेंट के लिए जाएंगे ये जनाब कार्ड शॉर्ट चल रहे हैं यहाँ पे। ये जनाब लारियाँ खड़ी हैं जनाब। बस गाड़ी से उतरने की कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं रोटी पानी खा ली है आपको बताया था हाजमे की सख्त ज़रूरत पड़ जाएगी खाने से पहले पता चल जाता तो बस आए अपना कैफ़े कैफ़े हैं यहाँ पे जरा अपना निज़ानिज़म चलाते हैं अपना हाजमा चलाते हैं और उसके बाद रात का आपको सीन्स बताऊँ कि पहले ही बुकिंग हो चुकी है क्योंकि आज का जो हमारा चैलेंज चल रहा है कि हमने 24 घंटे तक कल शाम 7-8 बजे तक हमने बाहर ही रोटी पानी करनी है जो करनी है घर रहने घर जाने घर सोने रोटी पानी बाहर करनी है। चलते हैं अपना हाजमा चलते हैं हाजमा चलते हैं हाजमा सुनसान सुनसान हुआ है क्यों हुआ है टाइम हो रहा है 12:20 से ऊपर ही हो रहे हैं और बस अब निकलते हैं तेरा घर को घर जाके थोड़ा सा टाइम देते हैं फिर बाहर निकलेंगे। ये भूख शोक फिर लग गई है और खाना बड़ा टायर्ड किस्म का हजम हो गया कैफे बैठे थे थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हो गई थी एक चंडों तक बाद भी पहुंचने लगी थी तो ये कि बस अब उठ गए घर चलते हैं और देखते हैं कि अगले क्या मामले आते हैं बाकी फिल वक्त और अभी तक हम घर से बाहर ही घर जाएंगे फिर बाहर जाएंगे तो स्टे ट्यून आपको अपडेट देते रहेंगे। टेड़ी नीड़ी नीड़ी ये चक्कर है जनाब ई ब्रेक स्मैक्सी चल लेट्स गो। नींद आई है सख्त बहुत सख्त भूख से ज्यादा नींद आई है। डे टू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टाइम इज हैपनिंग भाई साहब 10:52 ये 10:52 हो रहे हैं सवेरे के और सीन्स ऐसे अगर भाई खैर आया था घर आ गए थे हम रात तकरीबन 12:30 के करीब घर पहुंच गया था उसके बाद मुझे कुछ काम था इस तरह सारी रात पर वो लैपटॉप पे काम कुछ करता रहा सोते सोते मेरे को 2:30 बजे और फिर सुबह 8 बजे उठा हूँ फिर सोया हूँ फिर अभी जाके उठा हूँ अभी भी दिल नहीं कर रहा उठने का ऐसी बेहतरीन किस्म की थकावट हुई है दिल कर रहा है सोता जाऊँ भाई साहब जमाने बाद सोने का टाइम मिले अपने आप को उठ गए और अब भूख है। आपकी भाभी मेरी बेगम साहिबा मुझसे कुछ 600 दफ़ा पूछ गई नाश्ता नहीं करना मैंने नहीं करना क्या बनाऊँ पराठा बना देती हूँ टोस्ट कर देती हूँ जैम शैम नहीं भाई कुछ भी नहीं खाएगा मैं खाएगा सिर्फ बाहर से भाई घर का पानी भी नहीं पिएगा 24 घंटे तक तो वो अपना कंटिन्यू है। उठते हैं और देखते हैं कि क्या निज़ाम है घर के कोई काम काज भी है वो भी कराते हैं फिर नाश्ता भी करते हैं तो बस मिलते हैं आपसे फ्रेश होते हैं फ्रेश जब होंगे 10 मिनट रुको जरा सबर करो
क्या क्या आपने टुकड़े सुनाओ ये बोतलें चुकने क्यों गाड़ी जो है रास्ते में बंद हो गई अब्बा जी की कॉल आई है और मेरा जहाँ तक अंदाजा ना उसका डीजल एंड लगा हुआ था तो लेकिन इतना एंड नहीं था कि रिजर्व की लाइट ऑन थी लेकिन गेज का भी हमें अंदाज़ा नहीं मैं ट्राई कर रहा था गेज की कि रिजर्व की लाइट ऑन होती तो उसके बाद चलेगी कल रात को एक दफ़ा बस लाइट आई है लेकिन उसके बाद रिजर्व की लाइट नहीं आई और उसके बावजूद गाड़ी रास्ते बंद है बस अब फिर निकलते हैं रास्ते में इंतज़ार कर रहे हैं कहीं से डीजल चुकते हैं और फिर गाड़ी में डालते हैं जो मतलब हमसे अरेंज हुई है वो उठा लिया हमने ये क्या खाए जा रहा है बहुत भूख लगी देख के नहीं नहीं घर से खाना ही नहीं एक नवाला इस घर का मुझे को हराम है 24 घंटे तक खाना पीना गलत भी कुछ क्या लेकिन इंग्लिश ब्रेकफास्ट करके आऊंगा मैं मेरी जो सर्फ है इसमें ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि गाड़ी जो है टेंशन वाली है गाड़ी टेंशन देती है मतलब गाड़ियाँ देती हैं ऑब्वियसली टेंशन देती हैं और ढेर गाड़ियाँ ऐसी रखी हैं जो देती टेंशन है ना हम उन पर कहीं जाना आने का प्लान कर रहे हो तो पहले 600 दफ़ा सोचना पड़ता है खैर अपनी ये गाड़ी तमाशा ओके लेकिन डीजल ही रोला होगा उसका डीजल एंड लगा हुआ था तो बस अब देखते हैं क्या सीन है पेट्रोल पंप के बाहर ही कहीं गाड़ी बन गई मैं आपको चेक करता हूँ मेरे ख्याल से वो मुझे नज़र आ रही है ऑल्टो खड़ी है भाई क्या कहते हैं हमारे साथ गाड़ी तो बाहर खड़ी है मैं ज़रा पहले चेक करूँ और देखे गाड़ी की बत्ती भी बाली हमारे स्टार्ट हमारे साथ डीजल ही एंड है भाई साहब ये लाइन में डीजल ही नहीं आ रहा ये भी अभी हमने ट्रांसपेरेंट लगा दी हमारे साथ उस गाड़ी में गए खैर चलाते गाड़ी की आप लोकेशन देखने जगह चेंज है क्योंकि गाड़ी को हम गियर में डाल डाल के यहाँ तक ले आए देखें उठाती है डीजल की रोल है डीजल एंड हुआ क्योंकि वो जो आपको मैंने पाइप दिखाई है वो इसका डीजल पंप होता है वो हमने ट्रांसपेरेंट लगवाई थी चेक करने के लिए हमारा जो फ्यूल पंप है वो ओके है या नहीं है तो उसका भी फ़ायदा हो गया वो भी ट्रांसपेरेंट थी तो पता चल गया उसमें डीजल ही नहीं आ रहा तो ये सीन है गए कुछ डीजल आ जाएगा तो गाड़ी पंप तक जाएगी फिर फुल कराते भरा मेरा नाश्ता रह गया यार सवेरे सवेरे खो रही गड्डी अपनी आ गई इनसे डीजल पकड़ते हैं खराब नहीं करनी शायद ऑर्डर डीजल ही है ना ये ना सरसों का तेल आप 40 लीटर वाला गैलन पकड़ा है साथ में अपनी ये बोतल भी फिल करा लिया है और वो गड्डी खुलती है इस सानिया के बाद मेरे वाले साहब कहते हैं पता तेरी यह गड्डी तू हाथ में नहीं पाना तू जा तो अब ये सीटें जो है ना ये सीटें मीटे ये आपका भाई लेके जा रहा है ठीक है गाड़ी ओके ओके डीजल कराया इतना कह रहे हैं हूँ जरा ना सुई ही नहीं है मेरा ख्याल है इसके यहाँ गेज का चक्कर है इसकी गेज का रोला है क्योंकि कल सिर्फ एक दफ़ा जो है ना ये ब्लिंक की है लाइट ऑन हुई है उसके बाद इसने बंदी होगी तो चले बस थोड़ा सा और फ्यूल अप कराते ताकि गुजारा अच्छा हो कुर्सी निकाल रहे हैं कुर्सी ने रोला क्या ये सेंटर देख रहे हैं ये सेंटर से ना 10 की है बैठ की है तो इसका चक्कर जो होता है इसके नीचे बेल्टें आती हैं सेंटर में बेल्ट होती है आप लोगों को पता ही होगा यार हर किसी के घर पर तो कुर्सियाँ में क्या लंबियाँ करो तो खैर वो जो बेल्टें होती ना इस ये बेल्टें आती है अगर नज़र आ रही है हल्की नज़र आ रही है ये टूट गई है कुछ बैठ गई हैं तो ये सारी नहीं होंगी फॉर्म शॉर्म दोबारा फिल होंगे तो पक्का होगी पहले पिछला चीज़ देखने जरा वो नीचे था क्योंकि सामान रखा हुआ था चेयर्स का
ऐसी बाली है, बहुत गर्मी है। अच्छा खासा मौसम तो यार, एकदम धूप निकल आती है। याद है अपने को तो नाश्ता करना है यार, नाश्ता क्या करें? अब हालत नहीं है, हुईया नहीं है कि हम लोग कहीं पे इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर सकें। तो लेट्स सी कि रास्ते में क्या कोई जगह मिलती है, कोई नान चने खाते हैं या सोने। तो यहाँ से वेरी वेरी फार जो है अपने वो फ्राई चने वाले मैकेनिकों की दुकान के बीच में वो लाला जी ने फ्राई चने लगाए हैं, तो बस वहाँ चलते हैं, फ्राई चने खाते हैं सोने के नान के साथ, चाह गए ठंडी बोतल में पानी पिए। टाइम 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 भी आपको बता दें कि अपना सर्वाइवल चैलेंज जारी है। भाईजान 12:12 हो रहे हैं, 12:12 हो रहे हैं, 13 हो गया, नज़र तो आ गया ना, स्क्रीन ऑफ हो गया। खैर अंदाज़ा ये लगा रहा था कि हमने आज के इस व्लॉग में गाड़ी का कोई काम शाम नहीं डालना था, गाड़ी का कोई कट्टा नहीं डालना था, लेकिन गाड़ी ने खुद ही कट्टा खोल दिया। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, तुम्हारा व्लॉग और गाड़ी का जिक्र ही ना हो, ऐसे कैसे। तो भाई जान यहाँ पार्किंग में मिलती है, वो दूर दराज कर रही है अपनी गाड़ी लगाई है। ई ब्रेक डाउन। आपसे मजीद एक दो बातें करनी है, और क्योंकि मुझे ख्याल भी नहीं रहा, उस ख्याल से वहाँ से मैं निकल गया था। अच्छा सीन ऐसे हैं कि यार मेरी ना नानो फौत हुई है, और आज उनको 40 दिन पूरे हो जाते हैं, तो आज उनका 40वां है। तो फौत होने के बाद 10वां होता है, फिर 40वां होता है, तो आज उनका 40वां है। मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा कल से तेरह अखबार में नहीं था अपना ब्लॉग बना, तो ठीक है। आप लोगों से अपील है कि काइंडली उनको दुआ में याद रखें, सिर्फ फातह उनके लिए पढ़ लें, उनको दुआ में याद रखें, अल्लाह उनकी आखिरत आसान करें। एजिट थी, बीमार थी काफ़ी, शहर ऑफिसर के जो बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, परेशान है उनकी परेशानियाँ दूर था। आमीन आमीन या इलाही आमीन। जनाब सीन्स ऐसे हैं कि अभी घर जा रहा हूँ, और घर से कॉल आई है कि भाई 1 बजे ख़त्म है, मुझे याद ही नहीं, याद ही मैं अपना नाश्ता बना लूँ। बस घर जाते हैं, नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं आगे। टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है तकरीबन 4:30 बजे का, और घर पे मौजूद है। इस टाइम ख़त्म वगैरह हो गया था जो क्लिप आपको चेक कराया, उसके बाद फिर रोटी चली है, क्योंकि घर का था तो मैंने कोशिश की कि खाना नहीं खाना। फिर उन्होंने कहा भाई साहब घर का नहीं है, ये देगी है। मैंने कहा ये तो भाई की रोटी है। तो भाई साहब उसके बाद अल्लाह अल्लाह माफ करे मेरी नानी का 40 साल, तो ये कि उसके बाद आपके भाई ने रोटी खाई है। अपना चैलेंज कंटिन्यू, और अच्छे से याद है घर आ गया, शदीद प्यास लगी है, लेकिन घर पर पानी भी नहीं पी रहा क्योंकि चैलेंज है। तो अब देखते हैं क्या सीन है, क्या मामला रहते हैं। एक दो काम काज और भी है, रात को दोस्त को लेने एयरपोर्ट भी जाना है। बच्चे ने पीना था, बच्चों को मिला है। ड्रामे ना करो, मैं उनको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं ईमानदार बंदा हूँ। रात को मैं दोस्तों के साथ प्लान माजद के साथ ये सीन है। बाकी देखते हैं अगले क्या सीन है। घर आ गए हैं, नमाज अदा करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर 10 मिनट रेस्ट मारते हैं, और गाड़ी की एक फटीक खुली है, शीशा नीचे की ओपन नहीं हो रहा। पता नहीं आज के दिन में क्यों हो रहा है, जबकि हमने कहा था कि हम इस ब्लॉग में गाड़ी का कोई काम काज नहीं करेंगे। बेटिया 2 मिनट चुप कर जाओ, 2 मिनट चुप कर जाओ, पापा ब्लॉगिंग कर रहे हैं 2 मिनट। चलो जी आपसे मुलाकात करते हैं स्टेडियम। भाई जान 1 मिनट रुकना, आपको आवाज आ रही होगी आइसक्रीम लेके, तो चलते हैं आइसक्रीम लेके आता ताकि कुछ खा। आपको मैंने क्या कहा था कि हम सीरीज चलाएंगे जिसमें एक चैनल जैसा करेंगे जिसमें हमने 1 रुपए का खर्चा नहीं करना। तो उस दिन हमने पता क्या करना है, अभी भी बेगम के पर्स से 200 रुपया निकाल के लाया हूँ मैंने, एक आइसक्रीम एक अदर सोनी से आइसक्रीम निकल आएगी। चेंज होनी अपने पास, तो खैर कैश ही नहीं। आइसक्रीम खाइए ना, साला इधर फंस गया और पानी के बगैर गुजारा नहीं है। आइसक्रीम के साथ हजम करते यार जी आइसक्रीम के भाई से, पानी की तलब पूरी हो जाए। और इसके अलावा और कोई नहीं आती आइस
इसके अलावा फिर वो क्रीम में जनाब रोला इज दिस के खुद तो खाऊंगा, बच्चे के लिए ना ली तो फिर रोला है तो चोको डिप जो हमने बच्चे के लिए लिए, ऐसे कोशिश यही होती है कि बच्चे के लिए मिल्क वाली हो, लेकिन वो दूसरी थी नहीं। आइस कह रहे थे आइस ले लो, मैंने कहा आइस मैं खुद नहीं खाता तो बच्चे को क्यों खिलाऊं। भाई साहब मैं अपने लिए फीस लाया था रोया तो लेके आ गया नहीं अब खाओ बेटा अब खाओ अब खाओ। ए शर्ट से मुंह साफ कर रहा, इधर रखो यार मेरे को ब्लाउज मेल्ट हो रही है। ए भाई साहब फीस मैं अपने लिए लाया था, इसलिए चॉकलेट ही लाया, दोनों आइसक्रीम खोल दिए, मैं अपनी खा रहा हूँ आगे लड़ता है पापा, ये पापा अपनी वाली को कहता है ये पापा खाए और जो मैं खा रहा हूँ वो मेरे से ले गए। अब मैं क्या ही कह सकता था, खैर मैं अपनी प्यास से इसका इलाज कर लिया, दो चार जो है बाइट कह लें या लिख छिक कर लिया अपनी आइसक्रीम को। अब जनाब मेरी आइसक्रीम कॉप ली इस मुंडे ने, मुंह की हालत है इसकी मुझे हाथ ना लगाई। अच्छा इधर जाओ फिनिश करो आइसक्रीम फिनिश करो यार, ये सुनहरी खैर थोड़ी देर सोते फिर अगले मामला आपको स्टेट। इस टाइम और 6:52 अपडेट कुछ ऐसे है कि आपका भाई जो है वो सो गया था थोड़ी देर, फिर अब उठे हैं और तैयार कपड़े शपड़े चेंज किए, क्यों क्योंकि एक छोटा सा फटीक आ गया। चक्कर ये है कि छोटे भाई की अनकरीब ब्याह होने वाला है तो उसकी शेरवानी बनवानी है, तो उसके लिए प्लान बन गया सडन, तो अब जा रहे हैं उधर शेरवानी पसंद कराते हैं। उसके बाद रात के सीन्स ये हैं कि हमें एयरपोर्ट जाना है, उससे पहले अपने दोस्तों से मुलाकात करनी थी, वो पता नहीं हो सकती है नहीं, तो स्टे ट्यून। घर का नहीं पी रहा, बैठ के आराम चल रहा अपना कल से अब तक। क्यों बिलाज कैसे आप बिजी रहो, ये डिजाइन अगर आपको सिलेक्ट करना है ये कस्टमाइज करा सकते हैं, कलर ही ऑडियंस को मैं झूठ दिखाऊंगा, ये बन रहे नान तल रहे भाई साहब यहाँ पे, थोड़े थोड़े रोटियाँ बन रही है लेकिन नहीं खा रही हमने रोटी, क्योंकि चैलेंज अम्मा जी कह रही रोटी खा लो, लेकिन ओए ये भी घर का बनाएंगे बाहर का आइटम, मुर्गी तो बाहर की है बासा भी बाहर का होता है लेकिन घर पे बना मैं नहीं खा सकता। तो जनाब डीडी आए और इतना कोई रश है कि क्या ही बताऊं, ऑर्डर शॉर्डर कर रहे हैं उसका फिर आपको सकता है निकल जाता है। दिल तू दवा तू जद जीण दी वजह तू तू दर्द। गाइस बड़ी जल्दी में जा रहा हूँ, केड़ी गाड़ी लेके जानी है यार, ये दोनों अंदर खड़ी जो बाइक खड़ी वो लेके जाते हैं, जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। आपको टाइम दिखाता हूँ मेरे जनाब 12:46 हो रहे हैं और पता है रोला क्या है, गाड़ी में बैठ गए अपनी लारी अंदर है ये सवारी अपनी बाहर है, अभी हम इस पर गए थे रोटी पानी खाने, अभी जनाब हम जाएंगे इस पर। मैडम आप चुप करें प्लीज। गाइस सीन्स ऐसे कि जैसे कि आपको बताया था कि अपना एक फ्रेंड आ रहा है बाहर से, उसको पिक करने जाने, फ्रेंड भी है अपना, पार्टनर भी है, बिजनेस पार्टनर भी हैंगे, तो बस अब लेट हो गए। उस भाई की कॉल आई है, मुझे कहता है लैंडेड, मैं क्या कहता है लैंडेड, मैं तुझे तो 1 बजे पहुँचना था तो फिर उसके बाद तुझे निकलते निकलते आता पौना घंटा लग जा रहा, कहता है भाई खुदा का नाम ले बस मैं पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट से निकलने, मैंने बस मैं रास्ते में खैर मुझे 40-45 मिनट लग ही जाते हैं एयरपोर्ट जाते, लेकिन थोड़ा देखें जितना गाड़ी बजा सके भागते पहुँचेंगे, एयरपोर्ट थोड़ा सा दूर है। और सीन्स ये थे यार, आपको बताया था रोटी का चैलेंज अपना चल रहा था, ये घर से नहीं खानी खानी बाहर से, तो मैंने आपको कहा था मेरे लिए बहुत ईजी चैलेंज, आपको भाई खाते बाहर से घर पे पूछते नहीं भूलने लगा, मैंने तो कार उसको दूसरी बारी साला नहीं पूछता, वही गाल समझो दूसरी बारी तो दूर की बात पहली बारी नहीं पूछता। एयरपोर्ट जा रहे और रोटी पानी खा रही थी, बेगम बच्चों के साथ गया था तो वो भी जरा अच्छा सीनरी रहेगा, रश था उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर व्लॉग्स व्लॉग नहीं कर सका, खाने पीने की भी मेरे ख्याल से मैंने क्लिप कोई नहीं रिकॉर्ड किए, और अब बस निकल रहे हैं भाई साहब ऑफ टू है एयरपोर्ट। और अपनी इस गाड़ी को निकालने के दो मेन मकसद हैं, एक तो भाई साहब फ्यूल एवरेज ठीक है, और दूसरा मेन मकसद शीशे काले नहीं है। एयरपोर्ट
मैं कहता यार इधर मंडी लगी है, सारी दुनिया शायद निकली है। खैर एयरपोर्ट पर रश बहुत है तो बस हम उसको पास पहुंचते फिर आपको उससे मिलाते डायरेक्ट। भाई ने नई गाड़ी निकलवाई है, 20 टेबल लगा दी है। इतना अपना फ्रेंड अपना पार्टनर वो फुल बाकू बॉय बन के आए हुए हैं। अपना फ्रेंड अहमद रोए साहब आ चुके हैं, आप उसके बाजू चेक करो, फुल खराम गौर बन गया, बार गौर बन के आया हुआ है। ये बाकू बॉय हो गया अपना लड्डा। खैर ये कि ट्रिप मारने गया था फिर आना मार के आ गया। ये गाड़ी वाला ऐसा हो गया कि मैंने फ्लैश लाइट मारी शायद कोई यूट्यूबर बैठा हो। अच्छा खैर सीन ऐसे है कि जनाब आपसे यहाँ पे लेंगे इजाज़त, अपने फ्रेंड को ले लिया है, बस कोई रोटी पानी कराते हैं और फिर भाई को घर ड्रॉप करते हैं, उसके बाद हम घर चलते हैं। तो व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, आपसे लेते हैं यहाँ पे इजाज़त, अपना ख्याल रखेंगे, भाई का दुआ में याद रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट। रात के 2 बज रहे हैं।